हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई विद्यार्थी डॉट इन। माय नेम इज वर्षा और इस वीडियो के साथ स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम ज्योग्राफी का है और चैप्टर का नाम है हमारे अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो हमने कभी भी अगर अर्थ के बाहर देखना होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे स्काई को देखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम सुबह के वक्त में ऐसा नहीं कर पाते, आसमान को नहीं देख पाते, क्योंकि जो सन है उसकी लाइट इतनी ज्यादा होती है कि हमारी आंखें आसमान को देख ही नहीं पाती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम रात के वक्त हमारे प्यारे आसमान को देखते हैं और जो चीजें स्पेस के अंदर हो रही होती है उनको हम देख के खुश होते हैं। कई बार आश्चर्यचकित होते हैं, कई बार हम अपने तारों को देख के भी सोचते हैं कि ऐसे कैसे टिमटिमा रहे हैं, कितनी दूर होंगे। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तारों से बातें स्टार्ट करते हैं, जब तारों पे हमने बात खत्म करी तो तारों से ही स्टार्ट करते हैं अपनी बातें। जब भी हम रात का आसमान देखते हैं तो वहां पे अनगिनत सितारे देखते हैं। ये जो सितारे होते हैं कई बार बहुत ही ज्यादा ट्विंकल कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा शाइन कर रहे होते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा डिम होते हैं, कुछ ट्विंकल कर रहे होते हैं यानी चमक रहे होते हैं ऐसे, और कुछ सिर्फ शाइन कर रहे होते हैं यानी कि ऐसे जैसे बल्ब नहीं चलता है वैसे ही वो बल्ब की तरह चलते रहते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीजें हैं, जैसे कि जो टिमटिमा रहे हैं वो हमारे तारे हैं जिन्हें हम स्टार्स कहते हैं। ये जो डिम बल्ब की तरह, जो बल्ब होता है उसकी तरह जो भी चमक रहे होते हैं, जो शाइन कर रहे होते हैं, वो कौन होते हैं, वो ज्यादातर प्लैनेट्स होते हैं। ये प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम का ही पार्ट होती है। तो साथ ही साथ कई बार इसी स्काई में, इसी आसमान में आपको इन तारों सितारों शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ एक और इंसान मिलेगा और वो इंसान कौन है, दैट इज योर चंदा मामा, जिसे हम मून कहते हैं। सो ये मून आपको दिख जाएगा। अलोंग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। ज्यादातर दिनों में आपको चंदा मामा आसमान में दिख जाते हैं हमारे इन तारों के साथ, बट कई बार ऐसा होता है, कुछ दिन ऐसा होता है कि बिल्कुल दिखते ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट शेप एंड एट डिफरेंट पोजिशन। ऐसा होता है कि कई बार ये डिफरेंट शेप में दिखते हैं, डिफरेंट पोजिशन में दिखते हैं, तो ये बड़े ना नटखट स्वभाव के हमें लगते हैं, क्योंकि इनकी शेप पहली बार तो कभी बढ़ती है कभी घटती रहती है, कभी ये बिल्कुल नहीं दिखते कभी ये पूरे दिखते हैं। सो ये सारी चीजें हम अपनी रात के स्काई में नोटिस करते हैं। और कभी हमने ये सोचा है कि ये सारी चीजें हम दिन में क्यों नहीं देखते, जब सूरज होता है तो क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि सूरज, अगर हम सोच के देखें, सूरज कितना ज्यादा तेज उसकी रोशनी होती है कि हम आसमान की तरफ भी नहीं देख पाते हैं। तो सोचो ये जो टिमटिमाते हुए तारे हैं, ये जो छोटे छोटे तारे हैं वो कैसे दिखेंगे, इनकी जो लाइट है वो सूरज की लाइट, जो हमारे सन की लाइट है उससे बहुत कम है, उनसे बहुत ज्यादा ये डिम है। और इसी वजह से जब भी सूरज हमारे आसमान में आता है इन सभी ऑब्जेक्ट्स को हम नहीं देख पाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम बात करेंगे आप इन्हीं आसमान में रहने वाले ऑब्जेक्ट्स की, जो कि हमारे स्टार्स हैं, जो कि हमारे प्लैनेट्स हैं और क्या क्या है, सन भी है। ये सबको हम कलेक्टिवली क्या कहें, स्पेस के ऑब्जेक्ट्स कहें या फिर स्टार सबको कहते, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी कि, लेकिन स्टार्स के अंदर हम बात करें तो कुछ लोग प्लैनेट्स भी हैं, तो इनको कलेक्टिवली हम बोले तो क्या बोले, तो इनको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। अब सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, देखिए कोई भी चीज जो कि स्पेस में आप देख रहे हो, जो अंतरिक्ष के अंदर देख रहे हो, उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडी कहेंगे। चाहे वो सन होगा, चाहे वो आपका मून हो या कोई शाइनिंग ऑब्जेक्ट हो, उन सभी को हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या फिर सेलेस्टियल बॉडी कहेंगे, अगर वो स्पेस में आपको दिख रही है, स्पेस में आपको मिल रही है। स्टार्स, प्लैनेट, मून, एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट्स, नेब्यूला, स्टार क्लस्टर, गैलेक्सीज, पल्सर्स, क्वासार्स, ब्लैक होल, डार्क मैटर, यानी यहाँ पे आपको आपके स्पेस में जितनी भी, इस यूनिवर्स में जितने भी आइटम देखने को मिलेंगे वो सारा यहाँ पे लिख रखा है। और ये सभी के सभी किसके अंडर आएंगे, सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर आएंगे। ये सभी को हम अगर इन्हें बोलेंगे कि ये किसकी पिक्चर है तो हम क्या कहेंगे कि एक सेलेस्टियल बॉडी की पिक्चर है, इट इज अ पिक्चर ऑफ अ सेलेस्टियल बॉडीज,
ओके, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट है तो सेलेस्टियल बॉडीज, द सन, द मून एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स या फिर सेलेस्टियल बॉडीज। वो सभी चीजें, चाहे वो आपका सन हो गया, चाहे वो आपका मून हो गया, या कोई भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट जो नाइट स्काई में आप देख रहे हो, उन सभी को आप क्या कहोगे? आप कहोगे सेलेस्टियल बॉडीज। द मून, स्टार्स एंड प्लैनेट कैन नॉट बी सीन ड्यूरिंग द डे टाइम बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी देम। अब क्या हो रहा है कि जो हमारा मून है, जो हमारे स्टार्स है, जो हमारे प्लैनेट्स है, वो दिन में क्यों नहीं दिख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे सन की जो रोशनी है वो कई ज्यादा है इन सभी के तुलना में, और ये हमें इन सारे ऑब्जेक्ट्स को नहीं देखने दे रहा है। अब हमने बात कर ली कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज क्या क्या होते हैं, लेकिन इनको आप क्लासिफाई भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे तो अनगिनत नाम दे रखे हैं, तो फिर कोई ऐसी चीज जिसके जिसका नाम हमें नहीं पता, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि उसे हमें क्या बुलाना है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज देखेंगे और पता करेंगे कि किसी की अगर आपको पता चले कि उसके अंदर हीट और लाइट है तो उसको क्या बोलना है, अगर किसी के पास हीट और लाइट नहीं है तो उसको क्या बोलना, वो एक स्टोन का टुकड़ा है तो उसे क्या बोलना है, या फिर कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं है तो फिर उसे क्या बोलना है। कोई ऐसा भी ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिल सकता है जो प्लैनेट के अराउंड चक्कर लगा रहा है, उसको क्या बोलना है। तो ये सारी चीजों के लिए हमने क्या दिया है, एक एक नाम दिया है जिसको हम अपने क्लासिफिकेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज में देखने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज कैन बी क्लासिफाइड एज, सेलेस्टियल बॉडीज को हम इन तरीकों से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला आ जाता है Those which emit their own heat and light, वो ऑब्जेक्ट जो की हीट और लाइट एमिट करते हैं अपनी, मतलब उनके अंदर बहुत ही ज्यादा हीट होती है और लाइट होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम स्टार्स। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सूरज की तस्वीर दिख रही होगी, आप कहोगे मैम ये क्यों है, ये तो सूरज है। तो सोच के देखो, सूरज के पास क्या है, लाइट है, हाँ है, हीट है उसके पास, वो भी है, तो सूरज क्या हुआ हमारा, सूरज भी एक तारा हुआ, ये भी एक तारा होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम स्टार ही कहेंगे। सो सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार कौन है, हमारा सन है। आप कहोगे मैम तो फिर ये चमकता क्यों नहीं, क्योंकि हमसे पास है, बाकी के तारों की तुलना में ये हमसे बहुत ही ज्यादा पास है और इसी वजह से ये चमकता नहीं है, ये जैसा है वैसा अपीयर करता है और इसी वजह से इसमें कोई चमक नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके पास हीट और लाइट है इसे हम क्या बुलाते हैं, इसे हम स्टार बुलाते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई और बोले कि किसी और स्टार का नाम बताओ, तो आप एक और नाम याद रख सकते हो, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे अर्थ से, हमारे सोलर सिस्टम से सबसे नियरेस्ट स्टार का नाम है, सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्टार। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। दोस विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट, वो ऑब्जेक्ट जो जिनके पास खुद की लाइट नहीं है उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम प्लैनेट कहेंगे। अब ये जो प्लैनेट से आपके, चाहे वो अर्थ हो गया, मार्स हो गया, वीनस हो गया, क्या आपने किसी को चमकते हुए देखा है, क्या उसकी रोशनी आप तक कभी पहुंची? आपको कि मैम अभी तो आपने बताया था कि जो शाइनिंग डॉट्स हैं हमारे वो प्लैनेट्स है, तो शाइन तो हमारा मून भी कर रहा है, ठीक है, तो क्या वो उसके पास, क्या उसको हम स्टार कह सकते हैं, क्या उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि अरे इसके पास खुद की हीट और लाइट है? नहीं ना, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये अपनी लाइट, ये कैसे जल रहा है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको जलना कह सकते हैं, क्योंकि ये इल्यूमिनेटेड है, इसमें लाइट कहाँ से आ रही है, इनके ऊपर लाइट आती है सन की और ये वही लाइट हम तक रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है तो ये ऐसे लगते हैं जैसे इनके पास खुद की लाइट है, बल्कि वो लाइट किसकी लाइट है, वो लाइट तो हमारे सन की लाइट है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हो, जो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली में एक प्लैनेट है और वो उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो बिल्कुल, अगर आप ना किसी और प्लैनेट पे चले जाओ, ठीक है,
और आप अपने अर्थ को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये भी शाइन कर रहा है। तो क्या आप कहोगे कि हमारे अर्थ पे भी लाइट है और हीट है, इसकी अपनी हीट और लाइट है? नहीं है, वी ऑल नो। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सन की लाइट इस पे आ रही है और ये उसी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, और आपको ऐसा लगेगा जैसे इसके पास भी लाइट है। ऑल्सो ये जो प्लैनेट है, प्लैनेट शब्द ग्रीक के एक शब्द प्लांटाई से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वेंड्रा, और वेंड्रा का मतलब होता है कि घुमंतु। अब देखो, अगर आप अपने सोलर सिस्टम में देखोगे तो यह सब क्या करते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं सन के अराउंड। तो इसीलिए हमने क्या किया, इन्हें अपने ग्रीक वर्ड से लिया जो था प्लांटाई और जिसका अर्थ था वेंड्रा, और हमने क्या नाम दे दिया इनको, इनको हमने नाम दिया प्लैनेट जिनके पास खुद की लाइट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, there are numerous tiny bodies which move around the sun between the orbit of Mars and Jupiter is called asteroid। ये क्या है, ये numerous tiny bodies है, छोटे छोटे bodies है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, किसके बीच में, कहाँ पे, क्या कर रहे हैं ये? तो इसका आंसर ये है कि ये जो टुकड़े छोटे छोटे हैं वो सन के अराउंड घूमते रहते हैं, और तो और ये दो ग्रहों की ऑर्बिट में ही घूमते हैं। वो दो ग्रह कौन से है, एक तो आपका मार्स और दूसरा आपका जुपिटर। तो इन दोनों की जो ऑर्बिट्स है, इन दोनों की जो घूमने वाली पाथ है, उसी के अंदर आपको ये दिखेंगे, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम बोलेंगे एस्ट्रॉइड्स। सो ये लोग क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एक डेफिनेट जगह पे, और वो जगह क्या है, बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ Mars and Jupiter। Next चलते हैं, Object that revolve around planets are called satellite। अब वो celestial body, वो celestial objects जो कि किसी planet के around चक्कर लगाएंगे, उनको क्या कहना है, तो उनको कहना है satellites। जैसा कि हमारा मून, मून क्या करता है, ये भी अर्थ के चक्कर लगाता है, और अर्थ क्या है, अर्थ इज अ planet, और इसी वजह से हमने मून को क्या कहा, हमने मून को कहा इट इज अ सैटेलाइट। सो मून इज अ सेलेस्टियल बॉडी विच इज अ सैटेलाइट। ओके, ऑल्सो हमारे अर्थ के पास और बहुत सारे प्लैनेट्स के पास, उनके पास क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, बट हमारे जो यहाँ के साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स भेजते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसे हम कहते हैं, ताकि वो क्या कर सके, वो ऑब्जर्व कर सके प्लैनेट्स को, उनकी मूवमेंट को, और अपने लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्क करवा सके। फॉर इंस्टेंस, अगर अर्थ पे से अर्थ के लिए हम कोई सैटेलाइट भेज रहे हैं, तो हम उसकी मूवमेंट ऑब्जर्व तो कर ही रहे हैं, हम आउटर स्पेस को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई डिफरेंट तरीके कुछ एस्ट्रॉइड या फिर कुछ ऐसी चीज जो कि हमसे आगे टकरा रही है वो तो नहीं आ रही हमारे पास। साथ ही साथ हम अपनी हेल्प के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए भी इन्हें भेजते हैं, और वो सर्विसेज क्या होती है, कम्युनिकेशन हो गया या फिर वेदर फॉरकास्ट हो गया, इन सब चीजों के लिए हम इन सैटेलाइट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, स्मॉल चंक्स ऑफ आइस एंड रॉक दैट कम्स फ्रॉम द आउटर एज ऑफ द सोलर सिस्टम इज कॉल्ड कॉमेट। ये क्या होते हैं, ऐसे चंक्स होते हैं यानी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं रॉक के और आइस के, और ये लोग कहाँ से आ रहे होते हैं, ये लोग आ रहे होते हैं आउटर स्पेस से। अब ये जो आउटर स्पेस से आ रहे होते हैं, तो इनके पास आइस होती है, रॉक होती है, और जैसे ही ये सूरज के पास आते हैं तो क्या होता है, ये आइस वेपराइज होने लगता है, और ये जब आइस वेपराइज करता है तो एक टेल क्रिएट करती है, पूंछ क्रिएट करती है, और बड़े ही ब्यूटीफुल पूछ क्रिएट करती है, और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कॉमेट कहते हैं, यानी कॉमेट वो अतिथि कह सकते हो, गेस्ट कह सकते हो, जो कि आउटर स्पेस से, आउटर सोलर सिस्टम से आते हैं और हमारे सोलर सिस्टम को विजिट करते हैं, और तो और क्या करते हैं, ये बड़ी प्यारी सी एक टेल छोड़ते हैं पीछे जब ये सन के पास आते हैं। When it comes closer to sun, the ice on them vaporizes, creating a beautiful tail behind them। और ये क्या करती है, बहुत ही प्यारी सी, ब्यूटीफुल, खूबसूरत सी एक टेल छोड़ती हुई जाती है। ऐसे ही एक हमारी बहुत ही फ्रिक्वेंट, जिसको कह सकते बहुत ही जल्दी जल्दी आती है हमारे पास और हमेशा आती है, एक गेस्ट जिसका नाम है, और वो गेस्ट कौन होगा, हमेशा कॉमेट है।
सो वो गेस्ट क्या करती है, हमारे सोलर सिस्टम को विजिट करने आती है। हर 75-76 ईयर्स पे आती है वो, और ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हम उसे देख सकते हैं। कब देख सकते हैं हम उसे? 28 जनवरी 2061 को देख सकते हैं, 28 जन। ओके, यानी कि आज से 40 साल बाद, यानी कि मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी तब वो फिर से आने वाला होगा, और आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकती हूँ। सो हम जरूर देखेंगे इस कॉमेट को। और ये कॉमेट जो हेलीज कॉमेट है वो हर 75 से 76 साल, यानी 75 से 76 ईयर बाद हमारे सोलर सिस्टम को विजिट करने आता है। इट मीन्स कि सोलर सिस्टम सच में एक फैमिली है ना। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट आवर टॉपिक कॉल्ड स्टार्स, और स्टार्स के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हमारा सन भी एक स्टार है, स्टार की जो अदर प्रॉपर्टीज है वो उनकी बात करेंगे, और उसके बाद हम सोलर सिस्टम की बात करेंगे। सो टिल देन कीप लर्निंग विद अस एंड कीप वॉचिंग अस। बाय बाय।